तो मुरली वाला ही जाने जाऊं, बताओ वो क्या चाहता। न जाते हुए भी हम लोग बड़ी हवेली की बातों को लेकर कितने परेशान हैं। सच कह रहे हैं पंडित जी, हम एक ऐसे मामले को लेकर उलझ गए हैं इसका दूर दूर तक कोई समाधान निकलता नजर नहीं आता। समाधान तो जॉन बताओन हर समस्या का होता है ठाकुर साहब, पर दुविधा यह है कि हम जिसे समस्या मानते हैं क्या गांव वाले उसे समस्या समझते हैं? क्योंकि अगर हम दोनों को छोड़ दिया जाए जॉन बताओन, तो ये पूरा गांव इसे अपने भविष्य के लिए सुनहरा अवसर मानते हैं जॉन बताओन। उन दोनों के जाने से सभी दुखी हैं। और तो और ठाकुर साहब, आपकी पत्नी और आपकी बेटी भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं जॉन बताओ। शायद आप ठीक कहते हैं पंडित जी, पता नहीं क्यों हम दोनों एक ऐसे मामले को अपनी साख बना बैठे हैं जो किसी का व्यक्तिगत मामला है। किसी ने सही कहा है कि अगर हम किसी मामले को अनावश्यक रूप से तूल देते हैं तो उसी में उलझ कर रह जाते हैं। शायद हम गांव के मामलों में अपना योगदान न देकर एक ऐसे मामले में उलझ गए हैं जो किसी का व्यक्तिगत मामला है। सत्य कहा आपने ठाकुर साहब, हम उसकी बुराई करने में लगे हैं जिसकी प्रशंसा पूरा गांव कर रहा है। अगर कुछ दिन और ऐसा चलता रहा तो जॉन बताओ अगले 5 साल कोई और ले जाए, ये गांव वाले आपको दोबारा प्रधान नहीं चुनेंगे। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है जॉन बताओ कि बड़ी हवेली की किसी सदस्य के नाम लोग एकजुट हो जाएं। अब इस तरह देखने से कुछ नहीं होने वाला ठाकुर साहब, मैं तो कहता हूं जॉन बताओ अब भी समय है, संभल जाइए, वरना आप भी जानते हैं कि अगर खून का रिश्ता ना होता तो आपकी पत्नी और आपकी बेटी वो भी आपको वोट ना दे। मुझे लगता है ठाकुर साहब, अब आपको ये प्रताप और स्टेफी वाला मामला यहीं छोड़कर जॉन बताओ गांव वालों के सामने अपनी छवि सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बात तो आप उचित कर रहे हैं पंडित जी। जॉन बताओ मैं अनुचित बात तो करता ही नहीं हूं। आप सही कह रहे हैं पंडित जी, इस विषय को अब हमें यहीं छोड़ देना चाहिए और जो करेंगे राधा कृष्ण ही करेंगे। हाँ, और हमें राधा कृष्ण की इच्छा को स्वीकार कर लेना चाहिए। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। Thank you.
कल फिर से बड़ी ठकुराइन का घोंसला सूना हो जाएगा, दोनों बच्चे उड़ जाएंगे। कितना अच्छा होता कि पक्षियों की तरह हर शाम दोनों वापस आ जाते हवेली। चार दिन की चांदी तेरी रात, बाप रे, हम यहाँ बैठे हैं। हवेली पर कोई चाय पानी पिए वाला आएगा तो बड़ी ठाकुराइन तो हमका रत्ती रत्ती काटी देगी। बाप रे बाप, ऐसी जल्दबाजी में कहाँ चले मिंटू? क्या बात है जॉन, बताओ। अरे जी पाल आ गई। सब ठीक तो है? अरे ठीक है तो नहीं है पंडित जी, मुन्ना बेटवा तो बहुत आगे कल जा रहा है। का कुछ कहो? का नहीं नहीं कुछ नहीं। जॉन बताओ, दुख तो बहुत हुआ होगा, बड़ी हवेली फिर से सुनी हो जाएगी? हाँ, दुख तो बहुत। वैसे उन लोगों को इस तरह जाना नहीं चाहिए था। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई काम बीच में अधूरा छोड़कर ऐसे जाना उचित नहीं है। अगर कोई हाथ में लिया है काम तो उसे पूरा करो, या फिर ना ही लो तो अच्छा है, चाहे फिर जितना भी समय क्यों ना लगे उसमें। काहे जो रास्ता वो बच्चे बनाए गए हैं, अब ऊपर चल ना पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ये गांव में बड़े विद्वानों की कमी तो है नहीं, प्रधान जी हैं आप हो, का ये अधूरे काम को पूरा नहीं कर सकते? बच्चों ने जो काम कर दिया उसको आगे नहीं बढ़ा सकते? हाँ हाँ क्यों नहीं जॉन, बताओ जरूर हो सकता है। वैसे भी अब तो बड़ी ठाकुराइन ने दद्दन ठाकुर के हाथ में पूरी सत्ता सौंप दी, हम उनके लिए और आसान हो गए। काहे पंडित, कुछ गलत कहा हो तो बताओ। है? हाँ सत्य कहा तुमने मिंटू, सत्य कहा। अच्छा पंडित जी, पाला जी चलते हैं। विलाय की बहू के आ जाने से कुछ लोगों की जिह्वा भी एक हाथ लंबी हो गई। जिनकी कोई औकात नहीं वो भी आज लंबे लंबे भाषण देने लगा है। वैसे पंडित महाराज, जय हो आपकी, जय हो। जैसा चाहा था वैसा ही हो गया। अब इस गांव से विलायती शासन समाप्त हो गया। अब तो दद्दन ठाकुर की ठकुराई और मेरी पंडिताई ही चलेगी। हाँ
जीवन रुकता नहीं, चलता जाता है। चाहे कोई साथ आए या ना आए, वो हर क्षण एक नया मोड़ लेता है। और जो उस मोड़ पर संभल कर निकल जाए, वो चलना सीख जाता है। अनविकसित जाहलीय बच्चों को मानवीय मूल्यों और जीवन की पगडंडियों के बारे में सिखाया समझाया तो जा सकता है, किंतु उन पर चलना मुड़ना ये उनका अपना निर्णय होता है। इसमें हमें मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए। हर मौसम में इस हवेली के साथ रहे हैं आप, दिल जो गवाही दे वही करना चाहिए। यदि संवेदना कमजोर बनाए उसे भूल जाना ही अच्छा है। हम पता गए थे भावना में पह के, हम हवेली की मर्यादा भूल गए थे। आप कभी ऐसा नहीं, कभी नहीं। मुन्ना, मैं आपकी और हवेली की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहा हूं। मां, मैं आपको अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए मां। बच्चों की तरह रो रहे हो, बेटा। अपने आंचल के घोंसले से बाहर उड़ान भरने के लिए तुम्हारे परों को मजबूती हमने ही दी थी ना, तो अब उन परों को कैसे काट सकते हैं। कैसे कह सकते हैं तुमसे कि अपना सब कुछ छोड़कर हमारे लिए हमारे साथ रहने आ जाओ। नहीं, तुम्हारी जिंदगी वहां है, काम है वहां। बस इस बूढ़ी माँ को मिलने कभी कभी आ जाया करना।
नहीं है? ठीक है, कह दूंगी अगली बार से। क्या बाबूजी से ये सब कहोगी? तुम्हें लाज नहीं आएगी? लाज कैसी? वैसे भी अभी आप ही तो कह रहे थे बता देना, तो बता दूंगी। और मैं कौन सा किसी और से मिलने जा रही हूँ? मैं तो छोटी से मिलने आई हूँ। हे भगवान, तुम तो मुझे मरवाओगी।